हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, पारा मेडिकल 2021 का फॉर्म अप्लाई होना 14 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि आज ही से। इसमें आपको कितना सीट है आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कितना सीट पर एडमिशन होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, टोटल जो सीट है गवर्नमेंट का, जो पारा मेडिकल गवर्नमेंट सीट जो सरकारी कॉलेज है, उनमें आपको 4200 लगभग, मान लीजिए 4300 सीट है क्या आपका पारा मेडिकल में, लड़का और लड़की दोनों का मिलाकर, ठीक है। और इसमें ड्रेसर भी है, मैट्रिक लेवल और ट्वेल्थ लेवल दोनों को मिलाकर लगभग 4300 सीट है। अब इसमें बात होता है कि आपका बॉयज़ के लिए टोटल कितने सीट है। तो अगर आप बात कीजिए ट्वेल्थ लेवल पर, अगर ट्वेल्थ लेवल पर लड़का है, इनके लिए सीट जो होता है लगभग 800 सीट होता है, 810 है, ठीक है। टोटल 810 सीट है। इनमें जो 810 है, इसमें सिर्फ लड़की लोग का ही एडमिशन नहीं होता है, इसमें लड़का लोग ही सिर्फ एडमिशन नहीं होता, सॉरी, लड़की लोग का भी होता है। तो 810 जो है ये आपको लड़का और लड़की दोनों होता है, मगर ये 810 जो है इसमें अधिकतर लड़के ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात की जाए गर्ल्स के लिए कौन सा अच्छा कोर्स है, तो गर्ल्स के लिए देखिए इसमें तो बहुत सारा कोर्स है, GNM है, ANM है, फार्मेसी है, OT असिस्टेंट है, DMLT एक्सरे है, ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट है, डेंटल है, इंस्पेक्टरी है, ड्रेसर है। तो ड्रेसर जो कोर्स होता है ये आपको PMM होता है, पारा मेडिकल डेंटल जो होता है ये ड्रेसर कोर्स होता है, इसको ड्रेसर बोलते हैं। ये 10th लेवल पर होता है, ठीक है। तो इसमें तो आपको लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए अच्छा कोर्स है, ठीक है। अगर आप 12th पे हैं तो 12th पर सबसे अच्छा इसमें जो कोर्स है वह है GNM, ठीक है। GNM लड़की के लिए अच्छा है। उसके बाद हो गया आपका ANM हो गया। ये 12th जो GNM है ये केवल आपको वैसी लड़की शामिल हो सकती है जिनका 12th में बायो हो, ठीक है, साइंस पढ़ी हो और उनका बायो हो। और जो बायो 12th आर्ट से भी हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, मैथ से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, तो वो ANM कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी लड़की ANM कर सकती है। GNM जो है अच्छा सबसे एक नंबर है लड़कियों के लिए, वह सिर्फ साइंस बायो जिसका होगा वही कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो OT असिस्टेंट कोर्स है ये भी इन लड़की लोग के लिए अच्छा है। उसके बाद आपका DMLT होता है, फार्मेसी होता है, ये कोर्स जो है लड़की लोग के लिए भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब मेरी जो मैं खुद अब 2020 में जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, जिसमें मेरा पावापुरी भीम्स में OT असिस्टेंट कोर्स मिला है। तो इसलिए फ्रेंड, अगर आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो कमेंट करें, उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो टॉपिक बताएं, हम आपको वीडियो बनाकर समझाएंगे, कोई भी डाउट होगा बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और जानकारी लेते रहें, ठीक है। तो अब पूरा आपको PDF हम दिखाते हैं, 2 PDF है मेरे पास, ठीक है। वीडियो में आप बने रहें, PDF देख लीजिए, और PDF जो है आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाइएगा और टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड करके खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, जो भी आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो हम एक बार PDF आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये एक PDF है, यहाँ पे क्या है कि प्रोस्पेक्टस है आपका, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में सारा चीज़ दिया रहता है, तो आपको सिलेबस में वीडियो आपको अच्छा से डिटेल से समझा कर हम आपको वीडियो बना देंगे, सिलेबस भी आप समझ लीजिएगा, बुक भी बता देंगे कैसे आपको तैयारी करना है। तो सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट आपको बनाकर पैरामेडिकल 2021 टारगेट डाल दिए हैं, वहाँ उस वीडियो प्लेलिस्ट पर जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरामेडिकल या ड्रेसर के लिए है, यहाँ पर ड्रेसर लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ पर सीट मेंशन किया है 300 है, ठीक है। तो ये लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं 10th लेवल पर। उसके बाद जो ANM कोर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं ANM कोर्स का टोटल सीट 2515 दिया है, मगर ये गलती से टाइपिंग हो गया है इन लोग से, 2715 सीट है टोटल, ठीक है, ANM के लिए सरकारी कॉलेज में। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज का दिया गया है, तो प्राइवेट में क्या देखना है, प्राइवेट में आपको तो एडमिशन कराना नहीं है, अगर प्राइवेट में कराना भी होगा तो आप इस DCC के थ्रू किस लेकर आइएगा, जाकर इतना मेहनत कीजिएगा, काउंसिलिंग कराइएगा, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट जाकर हम कॉलेज से करा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद GNM जो कोर्स बताया था कि सबसे अच्छा लड़की लोग के लिए होता है, Grade A नर्सिंग होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए 758 सीट है, ठीक है, सरकारी कॉलेज में, यहाँ पे कॉलेज डिटेल से दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे GNM के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज का सीट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PMC ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, तो यहाँ पे सारे यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है भाई। बात करते हैं कि आपको ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट में टोटल जो सीट है 165 है,
अगर इसमें ये सब कोर्स में अगर देखा जाए, असिस्टेंट वाला जो कोर्स है, लड़का और लड़की दोनों मिला कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा सीट है लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, 235 है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसे DMLT भी कहते हैं। उसके बाद आपको 165 ऑप्थोल्मिक में और 165 एक्सरे टेक्नीशियन में है। उसके बाद OT असिस्टेंट में टोटल सीट बात करें तो 145 है। उसके बाद डी फार्मा में आपका 60 सीट है, ठीक है, 60 सीट है। इसका जो रैंक होता है डी फार्मा का, इसके लिए अच्छा रैंक लाना पड़ता है तभी एडमिशन होता है। उसके बाद सीनेटरी इंस्पेक्टर हो गया जो कि आपका 40 सीट है। उसके बाद डेंटल हाइजेनिस्ट जो होता है, ये आपको डॉक्टर के साथ, डेंटल डॉक्टर के साथ रहते हैं, उनके लिए है 10 सीट है। और डेंटल मैकेनिक जो दांत बनाते हैं उनके लिए कोर्स है, 10 सीट है ये, तो ठीक है, ये पटना डेंटल कॉलेज है। तो टोटल मिलाकर 810 सीट हो गया। अब कैटेगरी बाई आप जानना चाहते हैं कि कौन से कैटेगरी, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया, EBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, उसके लिए भी एक PDF है, ठीक है, तो वो हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये DCC 2020 का सिर्फ पूरा आपको टोटल आपका सीट दिया गया है। उसके बाद UR, EBC, ST सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। उसके बाद टोटल यहाँ पे कितना, कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, सारा PDF आपको मेरा टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से और अपना एनालिसिस करके जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने चैनल से जुड़ जाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू।